kita ya orang. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ माशाल्लाह मौसम देख सकते हैं कि फिर से बादल आना शुरू हो गए हैं, शायद कि बारिश हो जाए। खैर, अभी मैं जा रही हूँ सदर बाज़ार, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड मुझे आया था कि आप चिकनकारी वाले सूट हमें दिखा दें। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं दिखा देती हूँ जो चिकनकारी जो मुनासिब प्राइस में होते हैं, फिर मैं वो दिखा देती हूँ आपको। अच्छा जी, गोरा बाज़ार है, आज मैं गोरा बाज़ार के सेट से गई हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक ये रंगोली शॉप है, जो पेशावर में रहते हैं उनको तो पता है कि काफ़ी, मतलब इनकी 3-4 शॉप्स है सदर बाज़ार ही में। इनके पास ये दुपट्टे मुझे नज़र आए जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और इनकी कीमत 2000 रुपये थी, अच्छे मुझे लग रहे थे। मतलब ब्लॉक प्रिंट भी नहीं था और किनारी भी नहीं था, कुछ और काम था लेकिन अच्छा काम था। बच्चों के साथ अच्छे लगते हैं प्लेन सूट के साथ। अच्छा, उसके अलावा भी यहाँ पर दुपट्टों की बहुत ज़्यादा वेरायटी थी। इस तरह के दुपट्टे भी आपको हर कलर में मिल जाते हैं, मतलब मैचिंग करने के लिए, कि आप कोई भी लॉन का सूट ले ले या चिकनकारी का सूट ले ले गर्मियों में, और इस तरह के दुपट्टे अच्छे लगते हैं। तो अक्सर आप लोग पूछते हो कि दुपट्टे कहाँ मिलते हैं, तो चले आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि रंगोली में भी अच्छे से अच्छा दुपट्टा आप लोगों को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर इस सेट पर भी स्टॉल वगैरह लगे हुए थे जो अबाया के साथ भी पहनते हैं। वैसे भी कपड़ों के साथ अगर मैच करना हो तो ये शेफून स्टॉप में थे, और वो दूसरी सेट पर जो थे तो कुछ कॉटन स्टाइल में कुछ थे, मुख्तलिफ स्टफ में थे। तो इनके सब की अलग अलग प्राइसेस है। यहाँ पर कुछ 1000 रुपये की हैं, कुछ 2000 रुपये के दुपट्टे हैं। इस तरह के दुपट्टे आप लोगों को रंगोली में मिल जाएंगे। तो इनकी नई शॉप खुली हुई है जो कि काफ़ी बड़ी शॉप है। ये पीरालम मार्केट है, यहाँ पर इस तरह के सूट भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। सारे के सारे ऊपर लगे हुए थे, इनकी प्राइस ही 6500 रुपये बोल रहा था। मैंने पूछे कि सब सूटों की, तो कहते हैं सबकी डिफरेंट प्राइस है। ज़ाहिर है फिर देखते हैं कि जिन पे ज़्यादा काम हो या जिनका दुपट्टा अच्छी क्वालिटी का हो तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये मतलब मास्टर कापी होती है किसी भी ब्रांड की, जो अच्छे होते हैं, पहने जाते हैं, हम खुद भी लेते हैं, वाश भी करते हैं, मतलब ख़राब मराब कुछ भी नहीं होते हैं। अब ये शर्ट्स आप लोगों को 2200 रुपये का ये बोल रहा था। ये चिकनकारी की शर्ट्स है, अच्छी शर्ट्स है, मतलब नॉन के ऊपर चिकनकारी है, प्रिंटेड भी है। इसके अलावा यहाँ पर टाई एंड डाई में भी बहुत ज़्यादा कलर थे और डिज़ाइन भी इसमें थे। ये सारे के सारे 2200-2500 इस तरह 2000 रुपए की रेंज में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये वही मार्केट है, पीरालम मार्केट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी सारी मिल जाती है। अब ये देख लीजिए, रेड वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था। ज़ाहिर इसके नीचे स्लिप पहननी पड़ती है, वैसे भी ये ज़रा पतली भी होती है और इसके ऊपर जो इसके अंदर जो है तो इस तरह के मतलब बने होते हैं, इस वजह से चिकनकारी की वजह से हम लोगों को यहाँ पर स्लिप पहननी पड़ती है। बिल्कुल के फर्क गोल और प्यार यार पीस कलर दे ता पसंद है तो लगो पाया नयो हां ये दायो रंग दे ता पसंद है शर्ट शर्ट अब ये वाली शर्ट भी अच्छी लग रही थी। इसका कलर सिर्फ एक ही था, इसमें एक ही कलर था, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि लाट में आते हैं, इस वजह से इनमें कलर वगैरह नहीं होते। और ये भी प्यारा लग रहा था, ये भी फुल भरा हुआ था चिकनकारी का। इनके पास और भी डिज़ाइन थे, ये फिरोजी रंग, ब्लू रंग भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ तो खैर मैं बैठ गई थी, इनसे मैंने कार्ड पूछा है तो इनके पास कार्ड नहीं था। ये सामने इनका नंबर है। अच्छा, ये ऑनलाइन भी कहते हैं कि हम नहीं करते, बस यहाँ जिन्होंने लेना है यहाँ ही आके हमसे ले ले। अच्छा, ये वाले भी अच्छा लग रहा था, ये मैंने कॉल की आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये चादर के लिए उन्होंने कहा था कि अच्छा कपड़ा है, इसका जो यार्ड है, बड़ है, वो भी काफ़ी बड़ा था, और मुझे इस तरह की एक वाइट चादर चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ से एक चादर भी अपने लिए ले लेती हूँ।
और वाइट कलर में इसके ऊपर सारे इस तरह फूल बने हुए हैं, मतलब ज़्यादातर रेड कलर में थे और ग्रे कलर में थे। तो खैर मैं देख रही हूँ कोई चादर मुझे पसंद आती है। अच्छा ये एक शर्ट पड़ी हुई थी जो मुझे कह रहा था कि 1000 रुपये की ले लो, लास्ट एक शर्ट रह गई है। तो खैर अब मैं देखती हूँ। अच्छा ये वाली चादर भी मैंने ले ली थी इनसे, और ये मैंने 1800 रुपये की चादर ली है, 2.5 गज़ इन्होंने मुझे चादर दी है, मगर अच्छी अच्छी बड़ी है। मतलब मुझे इस वैसे तो मैं अबाया पहनती हूँ, मगर कभी कभी शादी वगैरह पे जाने के लिए ज़ाहिर गाड़ी ही में जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए इस तरह की एक लोन की चादर ले लूँ। तो इनके पास इस तरह की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। ये लोग कहते हैं कि हम लाट से कपड़ा आता है हमारे पास, फिर खुद ही उसको हमला हो और बेच कर तो उसके ऊपर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करते हैं। अब ये भी दुपट्टों के लिए और शर्ट के लिए, बंदा दुपट्टा और शर्ट ले ले तो इनके पास पड़े हुए थे, वाइट कलर में भी थे, उसको हर कलर में आप लोग डाई कर सकते हैं। और ये कपड़ा मुझे अच्छा लगता है जो आप लोग वाइट ले लो फिर उसको हर कलर में डाई कर लें। अच्छा ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी लोग कह रहे थे कि हमने डाई किए भी हैं और वाइट कलर में था, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो एक दुपट्टा मैं ले लेती हूँ, तो इससे यह होगा कि किसी भी कपड़ों के साथ फिर डाई हो जाएगा जब घर में पड़ा होगा। तो यहाँ से ये मैंने ले ली, एक ये दुपट्टा, एक ले ली थी मैंने चादर। अच्छा ये भी मैंने खोल के देखा है, अब ये कुछ भरी स्टाइल का कपड़ा है। ये एक इनके पास पड़ा हुआ था, एक ही कलर में था, और ये भी दुपट्टा शर्ट बंदा ले सकता है। अच्छा ही लग रहा था, ये मुझे अच्छा लग रहा था। ये इसकी भी प्राइस तकरीबन 2000 रुपये की ये सिर्फ शर्ट बोल रहा था और फिर साथ में दुपट्टा। तो इस तरह के कपड़े यहाँ पर इस मार्केट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जो पीरालम मार्केट है इसकी बेसमेंट में जो है, तो सारे कटदाने वाले सूट है, और ऊपर जो है तो इस तरह की शॉप्स है जहाँ पर हर किस्म के आप लोगों को लोन के कपड़े मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने इनका कार्ड भी शो करवा लिए, एड्रेस भी शो करवा लिए, इनके पास मोबाइल नंबर भी है, यहीं से आप लोग देख लें। अच्छा जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेसमेंट में, इसी मार्केट के नीचे फिर इस तरह की शॉप्स आपको मिल जाती हैं, ये कटदाने वाली शर्ट्स। यहाँ पर ये मैं देख रही थी, मुझे यहाँ से एक दो सूट चाहिए थे, दो कलर में चाहिए थे, और ये इनके पास नहीं आई हुई थी, पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी थी, ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में। ये 13000 रुपये की सिर्फ शर्ट बोलता है, और फिर 19 की 20000 रुपये की टू पीस बोलता है, मतलब साथ में दुपट्टा। यहाँ पर कटदानों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है हर एक शॉप में, जब भी आती हूँ नए नए डिज़ाइन आए होते हैं, और अच्छे भी आजकल बड़े फैशन में भी है, इससे मैक्सियाँ बनती हैं। अच्छा आजकल बहुत साड़ियाँ बनी है, इससे बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं साड़ियाँ, जो कि अच्छी लगती हैं। तो जी ये वही मार्केट है, और काफ़ी कपड़ा हर दफ़ा आती हूँ तो नया नया कपड़ा आया होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी इसमें ये डिज़ाइन मुझे चाहिए था, इसमें मुझे दो ही कलर चाहिए थे, और ये भी मतलब इस तरह के जी नीचे बॉर्डर हुआ हुआ है इसके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें सारे के सारे कलर पड़े हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं कौन से कलर लूँ, क्योंकि मुझे एक ही डिज़ाइन में दो कलर लेने हैं। इनमें मैंने दो कलर ले लिए थे, एक ये कुछ पर्पल सा कलर है, मतलब प्लम सा कुछ कलर है, एक मैंने वो ले लिया था, साथ मैंने दुपट्टे ले लिए थे। अभी मैंने इनर और शलवार का कपड़ा नहीं लिया, वो भी इंशाल्लाह फिर मैं सोच रही हूँ कि वाइट कपड़ा लेकर ही मैं इसको डाई करवा लूँ। अब यहाँ पर हम बैठ गए थे, यहाँ पर भी इनके पास जो नई वेराइटी आई हुई थी, मतलब ये स्टोन वाले कपड़ों की, इस पर अब बड़े बड़े वाले स्टोन आ गए हैं इस कपड़े पर, जिन्होंने ये स्टोन किए हैं। ये कपड़ा भी इनके पास नया आया हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये तो खैर ख़त्म ही हो गया, फिर और जब इंशाल्लाह आएगा तो फिर मैं इसमें और ऑर्डर दूंगी। बाकी इनके पास कुछ कपड़े वगैरह मुझे लेने थे, कुछ देने थे, बस ये सिलसिला चल रहा था। यहाँ पर हम बैठ गए थे, थके भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि कपड़े लेना देखना इस पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अब इस तरह की जो बरूशिया वाली शर्ट्स है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, इस पर भी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन आते ही रहते हैं। बल्कि ऐसा होता है कि जब मैं ऑर्डर लेती हूँ और फिर मैं पता करती हूँ कि मुझे ये वाली शर्ट चाहिए, तो फिर वो ख़त्म ही हो चुका होता है। तो अगर आप लोगों ने इस तरह के कपड़े आपको पसंद आते हैं और आप लोगों ने लेने हैं, तो आप सोचिए मत और जल्दी से मुझे मैसेज कर दें कि मुझे ये वाली शर्ट चाहिए, क्योंकि हम शर्ट दे देते हैं उसके बाद फिर दुपट्टा भी टाई करते हैं, उसके ऊपर स्टोन लगवाते हैं, शलवार के कपड़े भी लेते हैं, वो सारा काम आसान हो जाता है। पहले ये कर लेते हैं कि पहले हम शर्ट ले लेते हैं उसके बाद फिर हम मैचिंग कर लेते हैं। अब ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, इसमें ये दो कलर थे, एक फेरोजी कलर था और एक कुछ इस तरह पीच वाला कलर था, मुझे ये अच्छा लग रहा था। इसमें खैर मैंने एक शर्ट ले ली,
अब मेरे पास माशाल्लाह से दूसरा एक बड़ा ऑर्डर है जो है अमेरिका के, जैसे मैंने नॉर्वे भेजा है उसी तरह एक बड़ा ऑर्डर है। अब उसके लिए मैं कपड़े देख भी रही हूँ, सोच भी रही हूँ, तो उस पर भी इंशाल्लाह एक दो महीने लगेंगे। साथ साथ आप लोगों को भी मैं दिखाती जाऊँगी कौन कौन से कपड़े मैं उनके लिए ले रही हूँ, तो वो भी सिलने भी हैं, पहले मैं ले लूँ उसके बाद इंशाल्लाह स्टिचिंग के लिए दूँगी। अच्छा, ये वाली शर्ट भी अच्छी लग रही थी, ये पिंक कलर में है। वैसे इसमें वेराइटी बहुत ज़्यादा आएगी इंशाल्लाह, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। तो ये भी अच्छा लग रहा था, इसके ऊपर भी इस तरह कुछ ब्रोशे की लाइनिंग थी और ऊपर जो है तो सारे के सारे स्टोन लगे हुए थे, लाइनिंग पे भी स्टोन लगे हुए थे। तो बस हम आ गए थे घर, जो थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और जो बाकी कटदाने वाले कपड़े लिए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये दुपट्टा मैंने लिया है, तो इस दुपट्टे का जो बर है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इससे थोड़ा सा कपड़ा काट के, मतलब जितना मुझे दुपट्टा लेना होगा वो मैं काट के बाकी मैं रख लूँगी। तो इस तरह की आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह की अगर एक दुपट्टा आपके पास पड़ा हो उसे आप लोग कटिंग करते जाओ, और ऊपर कपड़ों के ऊपर आप लोग इस तरह के पैच लगा सकते हैं, शलवार पर भी लगा सकते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग के लिए इससे आप लोग आस्तीन भी बना सकते हैं। तो खैर, मैंने एक ही दुपट्टा लिया है, मैंने कहा कि चलो एक मैं ले लेती हूँ, ये मैंने 2000 रुपए का एक दुपट्टा लिया है, तो मैंने कहा कि मैं इससे कुछ ना कुछ सोच सोच के तो फिर करती जाऊँगी, या फिर दुपट्टा डाई कर लूँगी, या फिर स्लीव्स इस साथ ही बना लूँगी, तो एक सूट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और एक मैंने चादर ली है, चादर पर तो खैर मैंने पैकिंग भी करवा दी क्योंकि मुझे चाहिए थी, ये भी काफ़ी बड़ी चादर है, अच्छी चादर है, इसका कपड़ा भी अच्छा है, कुछ लाइनिंग वाला कपड़ा है, और साथ में सिंपल सी मैंने इस तरह की पाइपिंग कर ली। मुझे रेड कलर में नहीं चाहिए थी ये जिसके ऊपर फूल बने हुए हैं, मगर उनके पास सिर्फ एक ही कलर था रेड, तो खैर फिर मैंने ये ले ली। तो जी, यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।